वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है विकास और ये है अंकिता। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो छठ पूजा आ चुका है, ये ब्लॉग भी छठ पूजा का है। और बताओ अंकिता, ये ब्लॉग कैसा होने वाला है? गाइस छठ पूजा बहुत बड़ा पूजा है हम बिहारियों के लिए, तो खासकर बहुत बड़ा पर्व है छठ पूजा। बहुत नियम धर्म हर एक चीज़ का पालन करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे कि हम लोगों ने बताया कि शॉपिंग वॉपिंग हो चुकी है, अब बस घर में पूजा की तैयारियाँ शुरू हो गई है। गेहूँ भी अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि गेहूँ हम लोग अभी धुलेंगे, धोने के बाद उसको सूखने डालेंगे। तो गेहूँ सुखाएंगे फिर वो चक्की में जाएगा उसको पीसने के लिए। तो मैं अभी आप लोगों को वीडियो में दिखाती हूँ, आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए। और गाइज ये छठ पूजा 4 दिन का फेस्टिवल होता है, 4 दिन काफ़ी उत्साह से मनाया जाता है, दिन रात जग कर हम लोग सब कुछ करते हैं छठ पूजा में। ये फेस्टिवल का तो हम बिहारी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इससे हमारे घर के रौनक रहता है कि छठ पूजा वो 4 दिन का जो फेस्टिवल होता है ना, गेस्ट आते हैं, रिलेटिव आते हैं, तो बहुत अच्छा माहौल रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए और छठ माता का आशीर्वाद आप लोगों को भी मिले। तो आप लोग देखिए पूजा की तैयारी है, सब कुछ हम लोग आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करेंगे। आज पहला दिन है, आज नहाय खाय का दिन है, तो सबसे पहले आपको हम लोग नहाय खाय का सब कुछ दिखाएंगे। सुबह से लेकर रात तक हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करते हैं सब कुछ आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। बसरते ही जिस पर बी इन दिस वीडियोज एंड पूरा वॉच करना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ। हाँ तो गाइज अभी मैं छत पर आ चुका हूँ और ये देखिए मैं बैक में छत को भी धो दिया गया है और छत को धोकर अभी गेहूँ ऊपर लाया गया है, गेहूँ को सुखाया जाएगा। और आफ्टर डैट का अभी सारे बर्तन भी धो दिए गए हैं, मैं आपको छत को उधर बर्तन दिखाता हूँ। और अभी यही होगा, आज नहाय के दिन, आज फर्स्ट दिन है छठ पूजा का। छठ पूजा जो कि हिंदू का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और ये टेक दिवाली के 6 दिन बाद होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि गेहूँ सुखाने का कैसे हम लोग सुखाते हैं गेहूँ को। आज धूप भी बहुत अच्छा कर किया हुआ है, तो होप सो जल्दी सूख जाएगा गेहूँ। और उसके बाद हम लोग बाकी का प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे, प्लस वीडियो में आप लोग बने रहें क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी इंटरटेनिंग होगा। ये एक पूजा का ब्लॉग है, कैसे हम लोग छठ पूजा को सेलिब्रेट करते हैं और सारे कुछ मैं रिचुअल्स आपको दिखाऊँगा इस ब्लॉग में। तो आप लोग वीडियो बने रहें होगा। यहाँ पर हम लोग छठ पूजा के लिए बनाएंगे, यहाँ पर घाट को तैयार करेंगे। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, पानी आ चुका है और छठ पूजा के बर्तन आ चुके हैं जिसमें गेहूँ सुखाया जाएगा। और यहाँ पे 2 हैलोजन देंगे हम लोग, जिस कारण रात को भी लाइट यहाँ पे बहुत अच्छा है। अभी गाइस आप लोग रॉ देख रहे हो और जब मैं घाट सजा दूँगा तो आप देखोगे कैसे से कैसा हो गया है। ये बहुत ही सुंदर से घाट सजाऊँगा पिछले वार्ड की तरह ही। तो देखिए यहाँ जितने भी गमले हैं यहाँ पर हम लोग लाइटिंग्स करेंगे, ये चारों तरफ लाइटिंग्स करेंगे जिसके कारण और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा ये। तो गाइस गेहूँ धोने की प्रतिक्रिया चालू हो चुकी है। ये सबसे पहला पार्ट होता है छठ पूजा का, यहाँ से ही छठ स्टार्ट होता है। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया कि गेहूँ हम लोग सुखाने आए हैं, तो 1-2 घंटा हो गया, हार्डली इतना धूप है कि गेहूँ तो आराम से सूख गया। तो अभी मम्मी जी उसको तैयार कर रही हैं, उसको पैक करेंगी, फिर पापा जी चक्की में ले जाके पिसवाएंगे, फिर खरना में हम लोग उसका यूज़ करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए हमारी पूजा की तैयारियाँ। छठ पूजा करेंगे, सारा प्रसाद बनेगा, सब कुछ होगा, इसमें खंडा का पूजा होगा, तो इसी रूम में हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। पूजा का बर्तन हम लोग धो लिए हैं, जो सूख गया है सारा, कल के भी हो गया है काम, तो इसको मिला के हम लोग अभी अरेंज करेंगे, ले आए हैं सूख गया तो अरेंज करेंगे। उसके बाद कई खाना बन रहा है, प्रसाद लेने के बाद सब लोग खाने वाने के बाद तब हम लोग कल की तैयारियों में लग जाएंगे, सारी चीज़ों को अरेंज करना है, सब कुछ करना है, तो उसकी तैयारियों में हम लोग लग जाएंगे। खाना भी बनना स्टार्ट हो गया, आज कद्दू दाल बनता है, चावल बनता है, सब्जी वगैरह बनता है। तो आप लोग देखिए तैयारियाँ भी हो रहा है, टिकन मसाला हम लोग फ्राई कर रहे हैं, आज बहुत जल्दी बनाना होता है तो तीनों तरफ हम लोग चढ़ा के बना रहे ताकि जल्दी से बन जाए। इधर ये कद्दू भी कट रहा है, गोभी फ्राई हो गया है,
और आलू भी फ्राई हम लोगों ने कर लिया, एक तरफ मसाला फ्राई हो रहा है और बीच में दाल चढ़ा दी। ये सब बनने के बाद चावल वगैरह पकौड़ी जो भी होता है वो सारी चीज़ें बन जाए। बनने के बाद मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी कि एक्चुअली खाना आज का प्रसाद कितना टेस्टी बनता है। बहुत टेस्टी होता है आज का प्रसाद। ये बाबू देखिए, बाबू भी लगी हुई है अपने। हाय कर दो बेटा, जय कर दो, जय जय कर दो बेटा, जय कर दो, जय जय। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहे, हम लोग आपको सब कुछ दिखाएंगे। चलिए प्रसाद रेडी हो चुका है क्या? हाँ प्रसाद रेडी हो गया है, अब निकाल रहे हैं, मम्मी जी खा लेंगी, उसके बाद हम सब लोग प्रसाद खाएंगे। अब जैसे कि आप देखते हैं पहले मम्मी के लिए प्रसाद निकल रहा है। नहाए खाए का प्रसाद तो बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा लगता है। पहले मम्मी खाएगी फिर अपने में सबको प्रसाद थोड़ा थोड़ा खिलाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चावल है, जैसे कि आप देख सकते हैं चावल रखा गया है प्लेट में। और ये प्लेट भी आप देख लीजिए, एकदम छठ पूजा की प्लेट है, जैसे क्या बोलते हैं पीतल का प्लेट है, पीतल का प्लेट है, पूजा में ही यूज करते हैं। और ये देखिए कद्दू दाल जो कि छठ पूजा में फेमस है। सब्जी भी देखिए रेडी हो चुका है, ये आलू और गोभी का सब्जी है। और फटाफट से जा रहे हैं मम्मी को देके आते हैं सारा प्रसाद। और ये कद्दू का पकौड़ी इधर प्रसाद लेके आ रही है और मम्मी को देगी, और उसमें से फिर पहले मम्मी ग्रहण करेगी प्रसाद, उसके बाद हम लोग सारे फैमिली मेम्बर खाएंगे। प्रसाद रेडी हो गया, हम लोग मम्मी जी को दे दिए प्रसाद। अब मम्मी जी के खाने के बाद हम सभी लोग प्रसाद को ग्रहण करेंगे, फिर कुछ गेस्ट आएंगे तो वो लोग भी अपना खाएंगे प्रसाद। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा।
गाइस डे टू में आपका स्वागत है। तो कल जो था नहाय खाय था, आज मेन खरना का दिन है। तो आज सुबह में मॉर्निंग में ही मेरे मामा और पापा जाके मतलब गेहूँ पिसवा के ले आए। देखिए मैं आपको बैक में दिखा देता हूँ, सर गेहूँ पिसा चुका है। आज इसी से रोटी वगैरह सब कुछ जो भी होता है खरना का प्रसाद आज इसी से बनेगा। तो गाइस आप लोग बस वीडियो में बने रहें, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। अभी जस्ट मॉर्निंग 9 बज रहे हैं, अभी यहाँ से 2 बजे से 3 बजे से पूजा का पूरा स्टार्ट होगा। फिर शाम में गेस्ट आएंगे, सब लोग आएंगे, दोस्त भी आएंगे, सब लोग प्रसाद खाने के लिए, और उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे सब कुछ। सो प्लीज़ बेन दिस वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइस खरना पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। अभी मम्मी जी पूजा करने जा रही हैं, अभी पूजा करेंगी फिर प्रसाद बनाएंगी खरना का, इसके बाद हम लोग रेडी होंगे। आप लोग देख सकते हैं तो गाइस शाम का टाइम हो चुका है और जैसे कि खरना का प्रसाद बनना स्टार्ट हो चुका है, आप जैसे कि देख सकते हो मम्मी बनाने स्टार्ट कर दिए। तो बस खरना का प्रसाद बनेगा, फिर पूजा होगा, उसके बाद फिर गेस्ट लोग आएंगे और यहाँ पे प्रसाद खाएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। तो आपको चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सारा प्रसाद बनने का प्रोसेस, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। सो प्लीज़ वीडियो आप लोग बने रहें, और जैसे कि मैं आपको वीडियो पलट के दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे गैस लग चुका है, सिलेंडर भी है, इसी में प्रसाद बनेगा। यहाँ पे मम्मी बैठ के बनाएगी जो कि आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। और ये केला का पत्ता भी आ चुका है जिसमें हम लोग प्रसाद जो फैमिली मेम्बर है केले के पत्ते में खाएंगे। और बाकी सब सुबह मार्केटिंग जाएंगे, सुबह मतलब फल वगैरह लाने के लिए हम लोग सुबह में जाएंगे, केला का पौध वगैरह सब कुछ। और कल से ही घाट बनना भी स्टार्ट होगा, सो आप लोग वीडियो में बने रहें। शाम हो चुका है, हम लोग पूरा रेडी हो चुके हैं खरना के लिए और अंकिता भी पूरा रेडी हो चुकी है। सो गाइस खरना का पूजा स्टार्ट हो गया, अब खत्म ही हो रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अंदर पूजा का जो हुआ है, उसके बाद सारे गेस्ट लोग आएंगे प्रसाद लेने के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में सब कुछ शेयर करूंगी, आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। हाँ तो बस सकते आप लोग बने रहिए वीडियो पर, हम लोग आपको सब कुछ दिखाएंगे कि अंकिता ने रेडी कर दिया है, पूरा खीर बनाया है अंकिता ने बाहर में, और वो अभी प्रसाद में हम लोग जितने गेस्ट आएंगे सबको खिलाएंगे। और कल के लिए मेन रेडी होना है हम लोग को, आप लोग बस वीडियो में बने रहें तभी हम लोग सब कुछ देख पाएंगे कल और परसों दोनों दिन का।
जब हम लोग जा रहे हैं अपने घाट सजाने के लिए, तो अभी जो हमने मंगवाया था फूल उसको फुलाने की तैयारी करेंगे। उसमें ऑलमोस्ट आधा घंटा लग जाएगा क्योंकि मैं मामा आए हैं, सारे बच्चे लोग सभी लोग मिलके इस घाट को सजा रहे हैं। पिछले बार हम लोग ईंट से सजाए थे, बट इस बार हम लोग ये तबला, ये अच्छा हुआ ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और मैं आप लोगों को रात का लाइटिंग सिखाऊंगी। यहाँ पे सारे लाइटिंग्स हो चुके हैं, अभी रंगोली बनेगा यहाँ पे, और एक वहाँ भी सजा है, बगल की आंटी है वो करती है। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, केला का पेड़ वगैरह लग जाने से कितना सुंदर लगता है। ये गेट बना हुआ है, काफ़ी सुंदर लगेगा। रंगोली यहीं पे बनेगा ना? रंगोली यहाँ पे सब जगह बनेगा। हाँ, आप लोगों को ड्रोन का फुटेज भी मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो पे। आप लोग वीडियो में बने रहें, सारे फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा। हर एक छत पे छत हो रहा है, इस छत पे ये हो रहा है, उस छत पे भी थोड़ा घुमा के दिखा दूँगा। यहाँ पे भी मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे बगल की आंटी है वो भी करती हैं। तो यहाँ पे भी सब कुछ रेडी हो चुका है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो यहाँ भी हो गया गाइज। आजकल छठ पूजा जो है ना, हर कोई अपने घर में छत पे करने लगा है। एक होता है कि जो रश होता है उससे लोग बचते हैं, बच्चों को ले जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये बहुत अच्छा भी होता है कि बहुत अच्छे से पूजा हो जाता है, क्योंकि भीड़ में बहुत अच्छे से पूजा नहीं हो पाता है, बच्चे होते हैं, सभी को ध्यान देना पड़ता है। तो छत पे करने से ये होता है कि पूजा बहुत अच्छे से हो जाते हैं। घर के जो बच्चे हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं गेट को सजाने में, सब कुछ करने में। और एक ये बच्चा है, अभी जो बना हुआ है घाट में इसमें सारा फ्लावर पेटल्स वगैरह सब कुछ हम लोग डालेंगे, तो बहुत सुंदर दिखेगा। ये फ्लावर से पूरा डेकोरेट होगा, ये बहुत ही सुंदर दिखेगा आफ्टर डेकोरेशन। शाम तक आप लोग देखिएगा कितना सुंदर दिखेगा, नजारा कुछ और ही होगा शाम तक का, नज़ारा कुछ और ही होगा ये। अभी तो डेकोरेशन हो रहा है, अभी तो इनकम्प्लीट है।
सूप जो है फल फ्रूट्स लग गया, सब कुछ तैयार हो गया है। अब बस हम लोग रेडी होंगे, उसके बाद शाम का जो अर्घ होता है वो होगा। और हम लोग अब लग गए हैं पारण का जो खाना होता है उसकी तैयारियों में। हमारे घर में यहाँ रात 12 बजे से बनना स्टार्ट हो जाता है खाना, तो किचन वगैरह साफ होगा, धुलाएगा सब कुछ, तो रात 12 बजे से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी सभी फैमिली मेम्बर आए हुए हैं, मेरे घर से भी सभी लोग लगे हुए हैं किसी न किसी काम में। मैं दिखाती हूँ, मम्मी उधर है, कुछ जो बाहरी लोग आते हैं पीपर है वो है, उन लोगों के लिए ठेकुआ वगैरह छान रही है। और इधर भाभी भी सभी लोग लगे हुए हैं सब्जी काटने में, नेहा हुआ। तो गाइस अब पारण का तैयारियाँ शुरू हो गया है और अब मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए दिखाऊंगी कि कितने एक्साइटमेंट से ये पूजा हम लोगों का समाप्त होगा। बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। हेलो गाइस, सो आज फाइनल डे छठ का और मॉर्निंग हो चुका है, अभी 4 बज रहे मॉर्निंग के और मैं उठ के रेडी हो चुका हूँ आज के लिए। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर लाइटिंग्स था वो अभी तक आपने देखा होगा ड्रोन फुटेज में, और नहीं देखोगे तो आगे भी देख लोगे। तो ये वीडियो ऑलमोस्ट आपको कैसा लगा अपने रिमार्क जरूर देना हमें, और
इसी के साथ आज के दिन के साथ इंडियन सारे फेस्टिवल ख़त्म हो जाते हैं साल के, तो अब सीधे अगले साल अब सरस्वती पूजा पे होली उसके बाद से स्टार्ट होता है सब कुछ। तो काफ़ी उत्साह से हम लोग दशहरा, दशहरा के बाद फिर दिवाली मनाते हैं, दिवाली के बाद फिर छठ आता है। छठ को काफ़ी महापर्व बोला जाता है, हिंदू के महापर्व बोला जाता है छठ को। तो चलिए आपको मैं सुबह का अर्घ दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम लोग आपको सुबह के अर्घ के बाद फिर हम लोग सारे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। तो आप लोग देखना, ये काफ़ी वीडियो काफ़ी स्पेशल था, काफ़ी अच्छे से हमने इसको सेलिब्रेट किया छठ पूजा को, डेकोरेशन एंड ऑल मैं सब कुछ आपके साथ शेयर किया। तो प्लीज़ आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके चलिए। छठ करब हम हर बार।